आगे बढ़ेंगे जहां नर्मदापुरम में एसएसटी और पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चेकिंग के दौरान 604 ग्राम सोना जब्त हुआ है। जब्त सोने की कीमत करीब 39 लाख रुपए बताई जा रही। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। वाहनों की चेकिंग की जा रही और उसी कड़ी में नर्मदापुरम में एसएसटी और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चेकिंग के दौरान 604 ग्राम सोना जब्त हुआ है। वही जब्त सोने की कीमत करीब 39 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता राकेश पटेल हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है पुलिस ने, क्या अपडेट खबर पर? जी, आपको बताना चाहेंगे ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले भी जीआरपी ने एक बड़ी खेप पकड़ी हुई थी जिसमें सोने का बड़ा एक कारोबारी को पकड़ा हुआ था, बिल प्रस्तुत नहीं किया था। वहीं आज ये दूसरी कार्रवाई की गई है जिसमें करीब 604 ग्राम सोने को जब्त किया गया है जिसकी कीमत करीब 38 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई इटारसी की पुलिस और एसएसटी टीम द्वारा की गई है और बताया जा रहा है कि एक युवक जो संदिग्ध रूप से इटारसी के रेलवे बस स्टैंड के पास खड़ा हुआ था जिसकी सूचना मुखबिर से मिलने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। उसकी जब तलाशी ली तो करीब ये 604 ग्राम सोना उसके पास से पाया गया था और करीब 38 लाख रुपए की ये सोने की कीमत बताई जा रही है। फिलहाल एसएसटी टीम और पुलिस ने युवक से पूछताछ की और कोई भी बिल और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसका आभूषण से भरा हुआ बैग जब्त किया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए बिल्कुल आगे की कार्रवाई यहाँ पर एसएसटी और पुलिस की ओर से की जा रही। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।